ओआईसी के वफ्द का कंट्रोल लाइन का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक यूसुफ अल दोबे 6 रुकनी वफ्द समेत चकोठी सेक्टर पहुंचे। एलओसी की सूरत हाल, फायरबंदी की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। उधर यूसुफ अल दोबे का कहना है, दो रोजा दौरे में वजीर आजम, वजीर खारजा और दीगर हुकाम से मुलाकातें हुई। कंट्रोल लाइन पर सलामती की सूरत हाल पर तफसीली आगही हासिल की। हज फॉर्म में तब्दीली के मामले की सेनेट में बाजगश। जफरुल हक ने कहा, फॉर्म से खत्म नबूवत का हल्फनामा निकालने वाले को सामने लाया जाए। मुशाहिदुल्ला ने कहा, कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। नूरुल हक कादरी बोले, मैनुअल फॉर्म 14 सफ़ों का था जिसे कंप्यूटराइज्ड और दो हिस्सों में तकसीम किया गया। उनके इल्म में लाए बगैर हल्फनामा अलग किया गया। अगर किसी ने गफलत की तो ऐवान जो सजा तजवीज़ करेगा देंगे। नवाज शरीफ की लंदन में चेकअप के लिए रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल आमद, वालिदा और हमशीरा भी साथ थीं। उधर मुसद्दिक मलिक का कहना है, नवाज शरीफ लंदन के डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। वजीरे सेहत पंजाब ने खुद माना था कि नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल संगीन है। काबीना ने बाहर जाने की इजाज़त दी। दूसरी जानब फिरदौस आशिक बोली, खतरनाक बीमारियों का शिकार मरीज अस्पताल दाखिले के बजाय घर में हशाश बशाश है। आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात देने के लिए रेलवे का अच्छा कदम। ट्रेनों के किरायों में 10 से 25 फीसद तक कमी कर दी। इत्तलाक 9 मार्च से एडवांस बुकिंग पर होगा। बिजनेस और एसी क्लास के एक तरफा टिकट पर 10%, दो तरफा टिकट पर 25% रियायत दी जाएगी। किरायों में कमी का सबसे ज्यादा फायदा अवामी एक्सप्रेस, मुल्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस के मुसाफिरों को होगा। गुज़श्ता 6 बरसों की निस्बत मौजूदा माली साल में PSDP के इस्तेमाल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है, मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में तरक्याती अखराजात का इस्तेमाल 39% रहा। माजी में इस दौरानिये में फंड्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 32% था। 200 से ज्यादा तरक्याती मनसूबों के लिए 700 अरब रुपए से ज्यादा PSDP फंड्स खर्च हुए। खारिया में पाकिस्तान आर्मी के तहत इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबले खत्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 62 घंटे में 25 फील्ड इवेंट्स हुए। महदूद वक्त में मुख्तलिफ महारतों की जांच की गई। आर्मी चीफ ने कहा, मुकाबलों में शरीक मुल्कों की अफवाज के दरमियान रब्त बेहतर होगा। एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लाहौर कलंदर्स के फिर वही हालात। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कलंदर्स को होम ग्राउंड पर 71 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद की टीम ने 199 रन का बड़ा हदफ दिया। मिनरों ने नाकाबले शिकस्त 87 रन बनाए। रॉनकी 48 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर की टीम 127 रन पर ढेर। रोमान रईस और जफर गौहर की 3-3 विकेटें। और ख़वातीन के आलमी दिन से कबल अमरीकी कंपनी ने अपनी पहचान बारबी को मुख्तलिफ ख़वातीन खिलाड़ियों की पहचान दे दी। ख़वातीन खिलाड़ियों के खूबसूरत मॉडल्स टोक्यो ओलंपिक से कबल दस्तयाब होंगे।